लॉकडाउन के बीच कैथल जिले के गुहला चीका ब्लॉक में अजीबोगरीब मुसीबत सामने आई है। रविवार की रात अज्ञात व्यक्ति गांव बिछिया में हजारों की गिनती में मृत और जिंदा मुर्गों को छोड़कर फरार हो गया। ब्लॉक पंचायत अफसर रोजी रानी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुर्दा मुर्गों को 10 फीट गहरा खड्डा खोदकर दफनाया गया। पंचायत को भविष्य में इस संबंध में सजग रहने के लिए कहा गया है। यह शरारत करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। सबसे पहले तो हमने इसको एरिया को जहाँ पे ये काम हुआ है, पहले तो हमने इसके यहाँ से सारी जितनी भी मृत मुर्गियाँ थी उनको यहाँ पे अपना नज़दीक जंगल में खड्डा खुदवा के हमने उनको दफन कर दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्गंध, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, कुछ भी इस तरह की चीज़ ना हो। तो वो तो हमने एक, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे अपना एक सोल्यूशन से स्प्रे भी करवा देंगे, सफाई भी करवा देंगे। बाकी गाँव वालों को भी अलर्ट कर दिया है कि भाई कोई भी इस प्रकार की कोई भी मतलब आगे से घटना ना हो, तो अपने जितने भी अपने पैरे हैं वो अपना मेनटेन रखें, क्योंकि ये काम रात के टाइम हुआ है, तो रात के टाइम को ये शरारत करके चला गया है। बाकी जिसने भी ये काम करा है तो वो एक बहुत ही गंदी शरारत करी है उसने, और ऐसे वक्त में करी है जिस टाइम पे देश ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े संकट से जूझ रहा है। तो उसे इस तरह के काम करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। हम अनजान आदमी के विरुद्ध जो भी वो है, जिसने भी ये करा है, पंचायत जो है वो इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की डिमांड कर रही है, और हम उसके लिए। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गुहला चीका प्रशासन द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं। राइस शेल्टर मालिकों से मजदूरों के ठहरने और खाने का प्रबंध करने के लिए कहा गया है। नगर परिषद द्वारा भी समाज सेवी संगठनों के सहयोग से खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था ठीक करने पर भी जोर दिया जा रहा है। राइस शेल्टर्स का भी चेक किया, उनको भी निर्देश दिए कि आप अपने जो है लेबर को अपने राइस शेल्टर में ही रखेंगे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे, जिस पे वो सारे सहमत हुए। और इसके बाद इसके पश्चात हमने कुछ स्कूल भी चिन्हित किए हैं, जिनको अगर कोई माइग्रेंट आते हैं, लेबर आती है, तो उसको हम ट्राएंगे, वो सारी सुविधाएं देंगे, उनके भोजन की, उनके शौचालय की, उनके ठहरने की, हम पूरी तरह से तैयार है। सेक्टरी मार्केट कमेटी नगर पालिका की हमारी एक टीम वर्क है, जो हमने पूरी तरह से कमर कसी है। आप देख रहे हो हम शाम तक बैठे रहते हैं, अगले दिन की प्लानिंग होती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो निर्देश प्राप्त होते हैं सरकार से या उपायुक्त महोदय से, उपनिधिकारी नागरिक से, जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं, हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं। अब जिन वार्डों में इस चीज की दिक्कत होती है कि खाने का मतलब कच्चे खाने की या पैकेट हमने देने हैं, या पक्का खाना, या कोई किसी प्रकार की सामग्री देनी है, तो इस कमेटी के द्वारा उनको पूरा निरीक्षण किया जाता है और वो बता देते हैं डिटेल कि इस व्यक्ति को इतनी इतनी खाने की जरूरत है और उसको हम खाना प्रोवाइड करवाते हैं। ये अच्छी पहल है और इसमें पूरे समाज का और पूरे हमारे समाज सेवी संस्थाओं का और हमारे सभी पार्षदों का, हमारी बॉडी का पूरा योगदान है। मेरे पास सुबह थी और अभी आप लोगों ने बताया और हमारे प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ लोग कश्मीर के और यूपी के कुछ शहरों के लोग थे, अभी उनको खाना दिया गया है। लगभग हम 200 से ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं। हम समाज सेवी संस्था माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल संस्था है, माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ट्रस्ट है, और माँ बनभोरी देवी है, भवानी मंदिर है, एक क्या नाम है ये आपका महावीर दल है, और भी बहुत सी ट्रस्ट हैं हमारी जो बिल्कुल तन मन धन से लोगों की सेवा कर रही है। मैं चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि मंत्री महोदय ने भी संबोधित किया, मैं कहूँगा कि नगर पालिका में इतनी सामाजिक संस्था जो लोगों की सेवा कर रही है, तो कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत शहर में नहीं आएगी। और नगर पालिका द्वारा भी पूरे स्वास्थ्य के प्रबंध किए गए हैं, सभी नगर पालिका कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, और सभी हमारे नगर पालिका की जो टीम गठित की गई है, लोगों को अवेयर करने में लगे कि आप घर के अंदर ही रहे, सभी आपको सुविधाएं नगर घर के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गुहला चीका प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।